दोस्तों और भाई लोग, आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा हूँ। लास्ट के एक ओवर में मुझे बचाना है एक ओवर में 16 रन। बॉलिंग पे है म्यूचुअल, स्टार्ट करते हैं। पहली बॉल डॉट अपन ने करवा लिया है। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 5 बॉल में 16 रन। देखते हैं क्या होता है। हार्ड कोर मोड और हार्ड पिच पर है। सेकंड बॉल डालेंगे मिचेल स्टार्क। वो भाई साहब सेकंड बॉल पर 6 पड़ गया। एक छक्का पड़ने के बाद इंग्लैंड वाले बहुत खुश हो रहे हैं। अब इंग्लैंड को चाहिए 4 बॉल में 10 रन, जो कि काफ़ी इजी हो गया। एक छक्का नहीं पड़ता तो चांस आता। फिर भी देखते हैं तीसरी बॉल मिचेल स्टार्क की। तीसरी बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल की है मिचेल स्टार्क, डॉट करा लिए। फिर से अब 3 बॉलों में चाहिए 10 रन। परफेक्ट बॉल डाले हैं मिचेल स्टार्क। देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट बॉल था, टाइमिंग सही नहीं किए, फिर भी इनको मिल जाएगी 1 रन। 1 रन बहुत ही अच्छी बैटिंग नहीं कहेंगे फिर भी। अब अपन को बचाना है 2 बॉल में 9 रन। देखते हैं मिचेल स्टार्क कैसी बॉलिंग करते हैं। और यहाँ पर 5वीं बॉल पर देखते हैं कितने रन मिलेगी। 1 ही रन मिलेगी। अब अपन मैच हम लोगों की ही मुट्ठी में है। 1 बॉल में चाहिए 8 रन इंग्लैंड को जीतने के लिए। अगर हम लोग वाइड और 9 बॉल नहीं फेंके तो हम लोगों की ही जीत है। वाइड का तो चांस है नहीं, 9 बॉल भी नहीं है। ओवर का लास्ट बॉल मिचेल स्टार्क का परफेक्ट बॉल है। परफेक्ट बॉल, टाइमिंग लेट से किए हैं, लेकिन फिर भी 2 रन मिलेगी, लेकिन 2 रन से मैच जीतेंगे नहीं। और इसी के साथ हम लोगों ने मैच जीत लिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया है 5 रन से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।